नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऐसे पाए अपना आधार, जाने पूरा प्रोसेस। नई दिल्ली, अब तक आधार कार्ड को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए ही रीप्रिंट कराया जा सकता था, लेकिन अब आप बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी इसे दोबारा प्रिंट करा सकते हैं। हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई ने अपनी ऑटो आधार रीप्रिंट सर्विस की जानकारी दी है, जिसके तहत अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा नहीं है या फिर बदल गया है, तब भी आप आधार को दोबारा प्रिंट करा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के लिए भी आधार रेप्रिंट सर्विस के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके बाद उनके दिए गए पते पर उनका आधार भेज दिया जाएगा। जाने इसका पूरा प्रोसेस। सबसे पहले www.ud.gov.in या फिर resident.ud.gov.in की वेबसाइट पर जाएं। यहां पर ऑर्डर आधार रीप्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर या फिर 16 अंकों का वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालें। इसके बाद सिक्योरिटी कोड भरें। अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो नीचे दिए बॉक्स पर क्लिक करें और यहां कोई दूसरा नंबर डालें जो आपके पास मौजूद हो। इसके बाद अब सेंड ओटीपी पर क्लिक करें और आपके मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करके वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करें। अब आप चाहें तो अपने आधार कार्ड का एक बार फाइनल प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके आधार रेप्रिंट का शुल्क जमा करें। पेमेंट के बाद रसीद जेनरेट हो जाएगा, जिसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एसएमएस के जरिए सर्विस रिक्वेस्ट नंबर एसआरएन भी मिल जाएगा। वैसे तो 10-15 दिनों के भीतर आपको आपका आधार कार्ड मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपने एसआरएन नंबर के जरिए आधार कार्ड की डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं।